हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड स्टार। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आप कैसे एमस्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जेटीडी ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेड स्टार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है एमस्टॉक का। एक बार लॉग इन कर देने के बाद आपके सामने ऐसा एक होम पेज आ जाएगा। अगर अभी तक आप एमस्टॉक में फ्री अकाउंट ओपन नहीं किए, फ्री अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, राइट साइड टॉप में यहाँ पे एक सर्च बार आपको मिलेगा एंड जिस भी स्टॉक में आप जेटीडी ऑर्डर यूज करना चाह रहे उसी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। मानिए मुझे यहाँ पे टाटा स्टील में जेटीडी ऑर्डर प्लेस करना है कि अगर टाटा स्टील 90 के आसपास आएगा तो मुझे वहाँ पे बाय करना है, तो पहले मुझे टाटा स्टील को वॉचलिस्ट में ऐड कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ प्लस के ऊपर क्लिक करके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जैसे ही माउस का कर्सर टाटा स्टील के ऊपर लेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा क्वेट का। ओके, आप यहाँ पे सिंपली क्वेट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कोड के ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में देखिए चार्ट आ जाएगा टाटा स्टील का, क्योंकि अभी हम टाटा स्टील में जेटीडी ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट आ गया एंड टॉप में देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट जेटीडी ऑर्डर का। आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट जेटीडी ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड देखिए, अगर आपको सेलिंग करना है तो आप ओसीओ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बाय करने वाले हैं तो इसलिए सिंगल यूज कर रहे हैं। तो आपको सिंपली देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्वांटिटी प्राइस ट्रिगर प्राइस का। आप यहाँ पे पहले क्वांटिटी को ऐड कर दीजिएगा, माने मुझे यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करना है एंड टाटा स्टील का अभी करंट प्राइस चल रहा है 119 के आसपास, लेकिन मुझे टाटा स्टील को बाय करना है 100 में। तो सिंपली यहाँ पे मैं प्राइस दे देता हूँ 100 में एंड ट्रिगर प्राइस क्या लेना है, लिमिट प्राइस से ऊपर, एंड यहाँ पे ट्रिगर प्राइस दे देता हूँ 101 का। इसका मीनिंग है कि देखिए जो ट्रिगर प्राइस है ना, इसका मीनिंग इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, लेकिन जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो प्राइस के ऑपर 100 के ऊपर। उसके बाद देखिए जो जेटीडी ऑर्डर का वैलिडिटी है 1 ईयर का। सिंपली आप यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा तो आपका जेटीडी ऑर्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड प्लेस हो जाएगा। और देखिए, मेरा ऑर्डर अभी सक्सेसफुल हो गया है एंड चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप में देखिए ऑर्डर का यहाँ पे ऑप्शन है, सिंपली मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे देखिए जेटीडी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे जेटीडी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड नीचे जो आपका टाटा स्टील का ऑर्डर है देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 100 क्वांटिटी के साथ। अगर मानिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है ऑर्डर को, सिंपली देखिए आपको यहाँ पे टाटा स्टील के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मॉडिफाई का, आप यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड आपको जो भी प्राइस चेंज करना है यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मुझे बाय करना है 90 में एंड ट्रिगर प्राइस यहाँ पे मैं दे देता हूँ 91 का। तो देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा एंड फिर से आप यहाँ पे बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ऑर्डर देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है एंड जितना भी ऑर्डर आपका प्लेस होगा इस ऑर्डर सेक्शन के ऊपर जेटीडी के पास आप चेक कर सकते हैं। एंड जेटीडी ऑर्डर को यूज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर यूज करते हैं वो मार्केट जो क्लोज होता है 3:30 के ऊपर कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर आप जेटीडी ऑर्डर यूज करेंगे 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगा। 1 ईयर के बीच में जब भी प्राइस उसी रेंज में आएगा, जो भी आप प्राइस यहाँ पे डिफाइन किए होंगे, उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।